पूर्व के ऐसे रहे हैं मंत्री जिनके उसमें हुआ है, जैसे अभी नियुक्तियों का काल है, यशुपाल जी के समय में सब हुआ है, तो ऐसे जो मंत्री रहे हैं उनके बाबू सिंह कुशवाहा के समय का, ये पैक्सफेड जो अभी आप आवास का बता रहे थे ये उनके समय का है, ब्लैकफेड का और पैक्सफेड में उसमें उन्होंने काम तो हुए नहीं और बिल्डिंगें आधी अधूरी खड़ी कर दिया, वो चले गए जेल। अब उसका अब आप देख लीजिए, ब्लैकफेड का 28 करोड़ रुपया हम पर निकला है, और इसलिए निकला है कि उनका कुशवाहा जी जेल में गए, उनसे मतलब नहीं है, आपको ये काम करा के देना है। अब हम लोग 3 करोड़ रुपया प्रति महीने गवर्नमेंट से तय हुआ है, हम 3 करोड़ रुपया प्रति महीने काट कर अपने उस सुबह से, उसके बाद देख के उस काम को पूरा करवा रहे। मानक के सापेक्ष इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो वांट निकाली गई उसमें निकाला गया बी काम 55% अंक चाहिए, लेकिन उनकी जो सूची थी उसमें बी काम 55% वाले नहीं थे, तो उसमें से 55% काट के 45% कर दिया और बी काम काट के बीए कर दिया। ये जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने उसको चैलेंज किया है, उससे संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रही, लेकिन जो भर्ती हो गए मानक के हाथ में, मानक के विपरीत जो भर्ती हो गए उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, हाईकोर्ट कहता है इनसे काम इनके अनुकूल लीजिए, इनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने इनकी भर्ती क्यों कर लिया, एलडीबी का कर्ज पूरा पाट रहे। ऐसे उस समय चलते चलते भर्ती कर गए, इतनी भर्ती कर गए जो उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, वो बिल्कुल बोझ डाल गए। आप लोग तो भर्ती भी नहीं कर पाए, हम एक भी भर्ती हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं बोझ को निपटना भी मुश्किल है, पहले उन्हीं को कह रहे हैं कि कहां ले जाएं इनको, कहां बैठाएं। यदि ये है कि निकालें तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाईकोर्ट जिसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है वो उसको काम देना उसकी और उनसे तनख्वाह उसको देना ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, तो इसके लिए उसको काम तलाश रहे हैं। और